देश भर में बिंद बिंद स्कूलों में बैठे हुए और इस समारोह में उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, मेरे लिए एक सौभाग्य की घड़ी है कि मुझे भारत के भावी सपने जिनकी आंखों में सवार हैं, उन बालकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। आज शिक्षक दिवस है। धीरे धीरे यह स्पेयक प्रसंग की अहमियत कम होती जा रही है। शायद बहुत से सारे स्कूल होंगे जहां 5 सितंबर को इस रूप में याद भी नहीं किया जाता होगा। शिक्षकों को अवार्ड मिलना, उनका एक समारोह होना, वहां तक ही ज्यादातर ये सीमित हो गया है। आवश्यकता है कि हम इस बात को उजागर करें, समाज जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है। और जब तक हम उस महात्म्य को स्वीकार नहीं करेंगे, न शिक्षक के प्रति गौरव पैदा होगा, न शिक्षक के माध्यम से नई पीढ़ी में परिवर्तन में कोई ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। और इसलिए इस एक महान परंपरा को समयानुकूल परिवर्तन करके अधिक प्राणवान कैसे बनाया जाए, अधिक तेजस्वी कैसे बनाया जाए, और इस पर एक चिंतन बहस होने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि बहुत ही सामर्थ्यवान विद्यार्थी टीचर बनना पसंद क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब हम सबको खोजना पड़ेगा। एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, अच्छे टीचर मिल नहीं रहे। भारत युवा देश है, क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है? हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे, और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हाँ मैं भी एक अच्छा टीचर बन के देश और समाज के लिए काम आऊंगा? ये भाव कैसे जगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक उत्तम सेवा इस देश की। वे अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे, वो शिक्षक का जन्मदिन मनाने का आग्रह करते थे। ये शिक्षक दिवस की कल्पना, खैर अब तो दुनिया के कई देशों में इस परंपरा को जन्म मिला है। दुनिया में किसी भी बड़े व्यक्ति को पूछिए, उसके जीवन की सफलता के संबंध में दो बातें वो अवश्य बताएगा। एक कहेगा मेरी मां का योगदान है, दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान है।
करीब करीब सभी महापुरुषों के जीवन में ये बात हमें सुनने को मिलती है, लेकिन यही बात हम जहां है वहां हम एक सजगता पूर्वक उसको जीने का प्रयास करते हैं क्या? एक जमाना था शिक्षक के प्रति एक ऐसा भाव था, यानी पूरे छोटा सा गांव हो तो पूरे गांव में सबसे आदरणीय कोई व्यक्ति हुआ करता था तो शिक्षक हुआ करता था। पूरा गांव जो मास्टर जी ने कह दिया है, नहीं नहीं मास्टर जी बता रहे थे, ऐसा एक भाव था। धीरे धीरे स्थिति काफी बदल गई है। उस स्थिति को पुनः प्रस्थापित कर सकते हैं। एक बालक के नाते आपके मन में भी काफी सवाल होंगे। आप में से कई बालक ऐसे होंगे जिनको छुट्टी के दिन परेशानी होती होगी, उनको लगता होगा बस सोमवार कैसे आए और ये संडे को क्या किया सब जाकर के टीचर को बता दूं। उसका मन उसको जो अपनी माँ को नहीं बता सकता, अपने भाई बहन को नहीं बता सकता, वो बात अपने टीचर को बताने के लिए वो इतना लालायित रहता है, इतना अपनापन हो जाता है उसको। आप में ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे, उनको भी ऐसा होता होगा, और वही उसके जीवन को बदलता है। फिर उसका शब्द उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मैंने कई ऐसे विद्यार्थी देखे हैं, वो बाल भी ऐसे सजाएंगे जैसे अपना टीचर सजाता है, कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे अपना टीचर पहनता है, इतना उनको वो इनके लिए हीरो होता है। ये जो अवस्था है, उस अवस्था को जितना हम प्राणवान बनाएं उतनी हमारी नई पीढ़ी तैयार होगी। चीन में एक कहावत है, जो लोग साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना। हमारी शिक्षा प्रणाली को जीवन निर्माण के साथ हम कैसे जीवंत बनाएं? मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी। मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं कोई स्कूल ऐसी ना हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी हैं जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बालक भी के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने जैसा काम है। लेकिन मुझे उसमें जो देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले जापान गया था तो एक भारतीय परिवार मुझे मिला, लेकिन उनकी पत्नी जापानीज है, उनके पतिदेव इंडियन है। वो मेरे पास आए, बोले मुझे एक बात करनी। मैंने बताओ। तो बोले आपका 15 अगस्त का भाषण में सुना था, आप ये सफाई पर बड़ा आग्रह कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है जापान में, हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं, और ये हमारा हमारे स्कूल में हमारे यानी चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है, आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मुझे जाकर के मीडिया वालों को पूछना पड़ेगा, वरना 24 घंटे चल पड़ता है ये। मैंने क्योंकि एक दिन देखा था जब मैं गुजरात में था तो एक टीवी पर कार्यक्रम आ रहा था, कार्यक्रम ये था कि इस स्कूल में बच्चे सफाई कर रहे थे और क्या तूफान खड़ा कर दिया था कि बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं, ये कैसे स्कूल है, ये कैसे मैनेजमेंट है, कैसे टीचर है, बच्चों पर दमन कर रहे हैं, सब कुछ मैंने देखा था एक बार। खैर मैंने उनसे तो मजाक कर ली, लेकिन
हम इसको एक राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाएं, और ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है।